प्रणाम करती हूँ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। मैं 3 दिन से तड़प रही हूँ, आज बड़ी मुश्किल से आ पाई और सबने बोला आपको दर्शन करना है, तो अभी वो वहीं बैठे हुए, तो हम दौड़ते दौड़ते आए। आज आपको देखो, मेरे को इतनी खुशी मिल रही है, सच बोल रही हूँ। मैं हृदय से बहुत चाहती हूँ और आपकी बहुत पूजा करती हूँ। आपकी कथा ने मुझे बहुत परिवर्तन दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत अंदर से दुखी थी, बच्चों का सहारा नहीं था, पर अपने आप से मैनेज करती हूँ। पर आपके आशीर्वाद से, कथा के प्रभाव से मैं अपना तंत्र बढ़िया चला रही हूँ। और मेरे को बहुत इच्छा थी एक वक्त में मिलने जाऊँगी और एक माँ का खर्चा उठाऊँगी और खुद जाके मैं वहाँ जमा करूँगी। आज आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो गई और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सही में आपको नहीं बता सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ से आए? मैं गुजरात से आई हूँ, आनंद से। घर में कौन कौन है? अभी तो मैं अकेली हूँ और 2 बच्चियाँ, लड़के की, लड़का छोड़ के दूसरी औरत के साथ चला गया, पर कोई बात नहीं, मुझे भगवान से उसमें भी शांति है। उनके दोनों बच्चों की और उसकी बहू की मैंने जवाबदारी ले ली, उनको गोद ले लिया, तीनों को अपनी लड़कियों की तरह उनको पाल रही हूँ। हम 4 ही जन रहते हैं। ठीक। और भगवान की दया से मेरा सब चल रहा है तंत्र धीरे धीरे। खुश थी। क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पर जो है उसको मैंने ब्याज पर रख रखा है। सही। और उससे ही अपने उनका सबका पोषण कर रही हूँ। बहुत सुंदर। जैसा मेरे से बनता है, भगवान कराता है, वो कर रही हूँ। अच्छा। और होगा, आगे भी सब अच्छा हो जाए, बच्चियाँ पढ़ लें, बस यही मेरा एक उद्देश्य है बस। और आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। मैं भी आनंद से आई हूँ, ये मेरी छोटी बहन है, और आपकी कथा से हमारे घर में भी बहुत परिवर्तन आया है। और दुनिया की जो चीज़ें आप बताते हैं वो तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी थी, और आपकी कथा से मुझे इतना बड़ा हिम्मत आ गई है और सबको मैं समझने लगी हूँ, आँखों से देखती हूँ और समझ जाती हूँ। आपकी कथा ने तो मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मन में विचार करा है कि एक माँ का खर्चा मैं भी देने चाहती हूँ। वाह। हाँ, प्रणाम। आप आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा धार्मिक काम में लगी रहूँ। अभी गौरी गोपाल मंदिर में अंदर। हाँ। कार्यालय में जाके नाम लिखा लीजिएगा। कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, सब डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया। खाया? नहीं अच्छा लगता है। क्या नहीं अच्छा लगता? खाना। अरे डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया। अच्छा बेटा। तो खाना अच्छा नहीं लगता, क्या खाती हो आप? बस थोड़ा सा भात और चावल और सब्जी थोड़ी। अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा। कुछ भी नहीं लगता। खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। तो रस ले लिया करो, गन्ने का, अनार का फल। ऐसे भी तकलीफ थोड़ी होती है। अच्छा बताओ। मैं धंधे में बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मुझे क्या पता, तुम कोई आशीर्वाद दो ऐसा। अच्छा कि भूख लग जाए। भूखे लग जाए सभी। भूख लग जाए ऐसा आशीर्वाद दे दूं, है ना? भूख लग जाए सभी अच्छा काम होगा मेरा। तो अभी क्या बुरा हो रहा है? क्या करते हो आप? मैं घर काम ही करती हूँ, घर संभालती हूँ। घर? घर तो कॉलम संभालते, दीवारें संभालते हैं। छेकरे बच्चे सभी। अच्छा अच्छा, सॉरी। दीवार घर तो भगवान संभाल रहे हैं, बच्चे आप संभालते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, लड़की है, लड़के के लड़के हैं। अच्छा तो अच्छा है, बच्चों के साथ रहा करो, खेला कूदा करो, कथा सुना करो, दादी अम्मा बन गई हो। बन गई हो। बस समस्या है कि भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लगी। लगेगी। भूख तो ठीक, पर कुछ अभी अच्छा नहीं लग। चलो भगवान, अच्छा भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेली खा जाओ।